लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि जोन से बाहर से जोन के अंदर आना पड़ता है। एंड लेकिन वहां पर स्काउट का जो रिफ्लेक्स था, क्लच गॉड ने स्प्रे किया था, स्काउट का रिफ्लेक्स में जो लेट के स्प्रे ट्रांसफर किया ना, उसके कारण ही यहाँ पर स्काउट बच गया, उसके कारण ही चिकन नहीं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। आई मीन स्काउट इंडिया के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं और किसी वजह से ही माने जाते हैं, और आज दिखा दिया किस वजह से। बट क्लच गॉड, जैसे हम बात कर रहे थे बार बार की उनकी जो पोजिशनिंग थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, उसकी वजह से उनको काफी एडवांटेज हुआ कि कितनी देर तक वो गेम के अंदर जा पाए। और वो बहुत टाइम लेता है, उस टाइम के अंदर बंदे ने पूरा क्लियर किया, एक पोजीशन अपनी टीम के लिए ऊपर, एक किल अपनी टीम के लिए ऊपर, बहुत सही था सोल। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और अपनी टीम के लिए आखिरी प्लेयर, जैसे हम कह रहे हैं कि हम आखिरी प्लेयर बचे थे यहाँ पे, क्लच गॉड किल्स भी स्टील करे हैं उन्होंने उस पोजीशन में आके, वो एक काफी आपको मतलब एक एक पॉइंट का एडवांटेज देंगे, और बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, तो हर पॉइंट के साथ आप थोड़ा ऊपर मूव कर जाते हैं। लेकिन फिनेटिक जो लास्ट तक चार बंदे बचे थे, वो जो 8 बीट के ऊपर पुश था, दो बंदे नॉक थे, स्काउट ने अपने टीममेट को बचाया, दैट वाज वन ऑफ द मेन मूवमेंट कि वो लोग चिकन नहीं ले पाए। एंड यहां पर जैसे हम लोग मैप पे जैसे देख पा रहे हैं, फिनेटिक एंड सोल सब यहां पर भाई भाई आपस में गले मिल रहे हैं, बहुत सही है। भाई भाई तो है, क्योंकि ये जो गेम है ये हम सबको बांध के रखता है, मिला के रखता है। इन दो टीम्स को हम पहले से देख रहे थे कि इंडिया के दो सबसे